सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब में हैं। बहुत सारी मशीन से यहाँ पर रखी हुई हैं, थोड़ी बहुत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे जो मोस्ट फेमस, काफ़ी ज़्यादा महंगी भी मशीन है ये CNC मशीन। इसमें आप कोई भी शेप या फिर कोई भी मॉडल आप बना सकते हो, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद इसके लिए जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी शेप आप इससे बनाओगे, उसके लिए यहाँ पर आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली कोडिंग डालनी पड़ती है इसमें, ठीक है। कोडिंग के लिए जी कोड, एम कोड, वो आपको सिखाए जाएंगे आगे चल के। थर्ड ईयर में है मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद अब आगे चलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मशीन्स है। ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग आप इतनी बार प्रोसेस सुनोगे, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते काफ़ी ज़्यादा गेट में। तो इसमें तुम एकदम माइक्रो लेवल पर सरफेस फिनिशिंग करते हो। जैसे कि मान लो चलो ये एकदम फ्लैट, एकदम चिकनी सरफेस अगर ये बनानी है तो उसका यूज हम इसके लिए करेंगे। इसमें देखो ये एक व्हील लगा होता है, ठीक है, एब्रेसिव व्हील। इसमें भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब चलते समय ये चिंगारी सी निकलती है इससे, पर अभी तो खैर नहीं दिखा पाएंगे वो। तो ये बेसिकली सरफेस फिनिशिंग करने के लिए होती है, ठीक है, एट माइक्रो लेवल। तो ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है। अब आगे मशीन चलते हैं, और ये तो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस मशीन है और बहुत ही यूज होती है, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ये यहाँ पर आप देख सकते हो इन सब मशीनों को, ये है हमारी लेथ मशीन, और ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी मशीन आती है। अब आइडिया तो नहीं है मुझे, लगभग 20 लाख के करीब पता नहीं। तो इसमें तो आप बहुत सारी प्रोसेस कर सकते हो, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, ठीक है। ये यहाँ पर वर्कपीस वगैरह को होल्ड करते हैं, और ये पूरा चक वगैरह होता है वो सब अभी इस वीडियो में नहीं। तो ये बेसिकली लेथ मशीन है, ठीक है। लेथ के भी अलग अलग प्रकार की लेथ होती हैं, तो ये अलग तरीके की हैं, ये अलग तरीके की हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगली मशीन। तो ये ड्रिलिंग मशीन है, और वो वाली भी ड्रिलिंग मशीन है, बस अंतर ये है, थोड़े से नाम में अंतर है और थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा बहुत अंतर। पर ड्रिलिंग से क्या पता चल रहा है, ड्रिलिंग करना, तो दोनों में ऑपरेशन वो सेम है। इसको पिलर ड्रिलिंग बोलते हैं, उसको बेंच ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस बेसिकली एक ही है, ठीक है। अब ये वाली मशीन है हमारी सेपर मशीन, नाम से पता चल रहा है सेपर। सेपर मतलब वर्क पीस को सेप देने के लिए, रेक्टेंगुलर या फिर जो जौन सा भी सेप है। इसमें मेन चीज़ ये है, सेपर और प्लेनर, ये दोनों नाम और दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। अंतर इतना होता है कि सेपर में, इसे दिखाओ भाई, सेपर में जो टूल होता है वो हमारा मोशन करता है और वर्क पीस होल्ड रहता है इसमें, ठीक है। अगला आगे आ जाओ भाई, ये टरेट मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन जितनी भी है ना, मिलिंग का मतलब ये होता है कि मिलिंग इन द यूज ऑफ, मतलब काटना किसी भी चीज़ को बाय यूजिंग रोटेटरी कटर। ये चलो डेफिनेशन वगैरह मैं बोल रहा हूँ, खैर नहीं पर। और इसके अलावा और क्या बताओ, ये तो सब लेथ ही है, ये बेंच लेथ, सेंटर लेथ, अलग अलग तरीके के नाम हैं इनके। और कौन सी बची भाई, और ये सब हो गई। ये भी CNC मशीन है, ये थोड़ी पुरानी टाइप की, शायद ख़राब हो चुकी होगी यहाँ पर, तो ये अलग रखती है निकाल के। अब हम ये दूसरी लैब में आ चुके हैं, ये कारपेंटरी शॉप है या फिर कारपेंटरी लैब। कारपेंटरी नाम से ही पता चल रहा है, कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का जितना भी सामान है वो सब इधर इस वाली लैब में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब देख सकते हो, काम एक ही है लगभग सबका। यहाँ पर मैं ये और दिखाऊंगा आप लोगों को, ये तो आपने देखा भी होगा फैक्ट्री वगैरह में, ये काटने के लिए यूज होता है इसका। ये आरी बोलते हैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में, ये आपने देखा होगा ऐसे ऐसे काटते हैं जो नॉर्मल हाथ वाली होते हैं। इसमें मशीन का यूज़ कर लेते हैं बस। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, और कभी मौका मिलेगा तो दूसरी लैब में आके भी कुछ दिखा देंगे।